नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस वाले मामले में हस्ताक्षर संबंधी विवाद, जिसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण बात एक बताऊंगा कि आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया है, उस पर सिर्फ हस्ताक्षर करके दिए और इबारतें आपने नहीं भरी है, यानी कि नाम, तारीख, पैसा आपने नहीं भरा है, तो इसी स्थिति में क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट निर्णय भी बताऊंगा जिसमें इस स्थिति में न्यायालय ने उस मुकदमे को खारिज किया, यानी कि अभियुक्त के पक्ष में किया और परिवादी को पैसा अभियुक्त को देना नहीं पड़ा। यह तो हो गई बात। इसके साथ इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आपने अगर किसी व्यक्ति को चेक दिया है और चेक आपने जैसे बैंक में पेश किया और बैंक से जो रिटर्न मेमो आता है, उस रिटर्न मेमो पे लिखा हुआ गया कि हस्ताक्षर मिलान नहीं करा चेक के, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या आपको किसी व्यक्ति ने बिना हस्ताक्षर का चेक दे दिया, उस पर हस्ताक्षर कहेंगे, या आपने किसी व्यक्ति को ऐसा आपका चेक किसी के पास पड़ा है जिस पर आपके हस्ताक्षर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कानून है उस पर जानेंगे। और फिर अपन ये भी जानेंगे कि आपने कोई एक ठेकेदार के साथ, मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता, मेरे तो अंगूठा निशान करता हूँ, और वो जो मुकदमे में अभियुक्त आता है वो जमानत के समय भी अपना अंगूठा करता है, हर बार पैसे भी अंगूठा करता है और बोलता मेरे हस्ताक्षर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। साथ में अपन कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी अध्ययन करेंगे जो हस्ताक्षर संबंधी विवाद के बारे में फैसले हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं, देखो किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि हस्ताक्षर संबंधी विवाद में कोर्ट किन आधार पर निर्णय करेगी, ठीक है ना। आप खुद क्लियर हो जाओगे कि भाई ऐसा होता है तो फिर ऐसा, आप सिर्फ एक पक्ष मत देखो, दोनों पक्ष देखकर निर्णय किए जाते हैं ना। जुडिशियल अधिकारी एक बात, एक व्यक्ति को बात थोड़ी सुनता है, ये है चेक, ठीक है। अब ए ने ये जो है परिवादी पैसा देने वाला और बी है अभियुक्त, अब क्या किया इसने, बी ने ये चेक ए को दिया, 1,00,000 रुपए लिया, ठीक है, और देते समय ए ने क्या, बी ने क्या किया, इस पर हस्ताक्षर कर दिया। अब एक स्थिति यह हो सकती है कि बी जानबूझकर गलत हस्ताक्षर कर और ए को दे दे, ए को थोड़ी पहचानता है कि उसके हस्ताक्षर है या नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है वो सही हस्ताक्षर किया और बैंक ने रिटर्न में लिख दिया कि हस्ताक्षर मिलान नहीं कर रहा है, तो क्या स्थिति होगी। दूसरा कि मान लो किसी व्यक्ति के पास चेक पड़ा है और उसने हस्ताक्षर किए ही नहीं, तो क्या स्थिति होगी। इस पर भी एक निर्णय है, देखो वो भी बड़ा अच्छा निर्णय है, आपको बड़ी आश्चर्य होगा। और तीसरा है, हस्ताक्षर का जो मिलान होता है वो मिलान सही हो रहा है, यानी कि इनसफिशियंट फंड से वो पैसा आपको नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो एक बात तो तय है कि जो पैसा ले रहा देने वाला व्यक्ति है वो आपके हस्ताक्षर नहीं जानता है, तो उसको पता नहीं कि आपने हस्ताक्षर सही किए या गलत किए, तो वो तो इस बात पर विश्वास में आ जाएगा कि आपके हस्ताक्षर सही है। और अगर आपके ने जानबूझकर हस्ताक्षर गलत कर दिए, इस प्रकार से चेक का मुकदमा बाउंस हो गया और कोर्ट इस चेक को नहीं मानेगी, तो एक तरह से ये ए के विरुद्ध में जाएगा। तो इस प्रकार की बात को कोर्ट हमेशा ध्यान रखती है, अगर किसी व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए जो अपूर्ण है, आधे कर दिए, तो भी कोर्ट उस हस्ताक्षर को मानेगी, है ना। जो पहली समस्या है जो बता रहा हूं उसमें कि वाह चेक पर अगर हस्ताक्षर नहीं मिल रहे, यानी कि मिलान नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में मुकदमा प्रथमतया परिवादी के पक्ष में जाएगा। इस आधार पर कि हस्ताक्षर नहीं मिल रहे, अभियुक्त नहीं जीत सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि हस्ताक्षर नहीं मिल रहे तो अभियुक्त नहीं जा, उसके जीतने के और कई सारे आधार हो सकते हैं, पैसे दिए कि नहीं दिए, किसके सामने दिए, किसने चेक भरा है, आपने वापस पैसा दे दिया, आपके पास क्या सबूत है, आपने जो अपनी पूरी प्लानिंग बना रखी है वो प्लानिंग से आपको मुकदमा लाना नहीं है, मगर केवल इस आधार पर आप ये काम करके बैठे हो कि हस्ताक्षर नहीं मिलने से मैं जीत जाऊंगा, केवल इसी आधार पर, तो आपको ये नहीं मानना चाहिए, ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बताऊंगा। मगर इसका उपयोग अभियुक्त इस चीज में ले सकता है कि साहब मैंने हस्ताक्षर नहीं किए, इसीलिए अपूर्ण हस्ताक्षर बता रहा है, तो ये अगर आप अभियुक्त साबित कर देता है कि उसने हस्ताक्षर नहीं किए, तो मामला अभियुक्त के पक्ष में चला जाएगा। मगर प्रथम दृष्टया हस्ताक्षर नहीं मिलने से चेक का मुकदमा खारिज केवल इस आधार पर नहीं होता। आप ये मत सोचेगा हस्ताक्षर नहीं मिल रहे तो चेक अभियुक्त नहीं जीत सकता है, और आधार पर, केवल इस आधार पर अभियुक्त के पक्ष में नहीं जाएगा। ये तो क्या। फिर दूसरा है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने
बिना हस्ताक्षर का चेक दे दिया, ऐसे ही किसी का हस्ताक्षर चेक पड़ा, तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित रूप से बिना हस्ताक्षर चेक है तो चेक है भी कहलाएगा भी नहीं। और इस प्रकार कोई अगर मुकदमा पेश करता है बैंक में, पेश करता है, बैंक रिटर्न कर देती है कि हस्ताक्षर नहीं है इस कारण चेक रिटर्न किया गया, तो कोर्ट उस मुकदमे को खारिज करेगी। ये तो सीधी सी बात है, छोटा बच्चा भी जानता है, ठीक है। अब ये जो बात है जैसे हस्ताक्षर किसी से मिलान नहीं कर रहे हो और आपने आपको किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हो, आप किसी व्यक्ति को पैसा दिए और मिलान नहीं कर रहे हो, या पैसा देने से पहले तो आप देख लो उसके जो पैन कार्ड होता है उसको साथ में आप कॉपी ले लो और देख लो उसके हस्ताक्षर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। और अगर आप बड़ा अमाउंट दे रहे हो तो पहले उसको दो चेक लो, उसको बोलो कि तुम जैसे मान लो आपने 10 लाख दिए तो पहले आप उसको बोलो कि यार तू दो चेक दे, एक तो 10 लाख का चेक मुझे दे रहा है वो पैसे मैं बाद में दूंगा, पहले तुम ऐसा करो मुझे 100 रुपये की चेक दे दे, वो आप बैंक में डाल के देख लो हस्ताक्षर आ रहा है नहीं आ रहा, अगर 100 रुपये आपके खाते में आ गया और वैसे वैसे हस्ताक्षर दूसरे चेक भी किया था आपको कन्फर्म हो जाएगा इसके बैंक में यही सिग्नेचर। अगर आप बड़ा अमाउंट दे रहे हो या रेगुलर किसी व्यक्ति से लेन देन कर रहे हो और आपको उसके हस्ताक्षर की जांच करनी है तो उसे छोटा चेक एक बार ले लो, उसमें वो भी मना नहीं करेगा क्योंकि उसको पैसे की गरज है लेने की, तो आप करनी भी एक छोटा चेक 100 रुपये का दे दे, मैं चेक कर लूँ तेरा खाता सही है कि नहीं, खाता बंद तो नहीं है कहीं, या तेरे खाते से पैसे निकलते हैं नहीं निकलते हैं, तो इस प्रकार से चेक करने के बाद आप बड़ा अमाउंट दे तो अच्छा रहेगा। अब ये दो बातें हो गई। अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि अंगूठा के निशान करता है, मैं तो हस्ताक्षर करना ही नहीं जानता, तो भी ये मुकदमा परिवादी के पक्ष में ही माना जाए, उपधारणा की जाएगी, इसके आधार परिवादी जीत नहीं जाएगा, परिवादी के पक्ष में धारणा की जाएगी। क्यों? कि अगर उस व्यक्ति ने अकाउंट खुला है और अकाउंट में उसने हस्ताक्षर किए और बाद में उसने हस्ताक्षर करना बंद कर दिया है तो ये लिखा पढ़ी साबित वो करे, यानी कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं हस्ताक्षर नहीं करता हूं उसको साबित करना, ना कि परिवादी को साबित करना, परिवादी के तो बस चेक पे हस्ताक्षर है और वो रिटर्न हो गया है इंसफिशिएंट फंड से या किसी अन्य कारण से भी, तो भी ये माना जाएगा कि ये इसके दायित्व था अभियुक्त का, ठीक है ना। अब अपन निर्णय कुछ निर्णय भी देख लेते हैं। अब हस्ताक्षर का मिलान नहीं करा, सबसे पहला जो मिलान नहीं करता है ना, रिटर्न मेमो में आ गया मिलान नहीं कर रहा, यानी कि जो हस्ताक्षर है रिटर्न मेमो में लिखा हुआ मिलान नहीं करने से चेक रिटर्न हुआ, तो उस पर क्या निर्णय? लक्ष्मी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, ये आप लीजिए लक्ष्मी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है ये मामला है। किस कौन सी कोर्ट ने निर्णय दिया इसमें? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। कब दिया? 2013 में दिया, वॉल्यूम फर्स्ट है और किताब का नाम है क्राइम। ये आप लक्ष्मी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके आप ढूंढ सकते हैं 2013 में, तो ऐसे आपको मिल जाएगा। तो इसमें यह कहा कि अगर हस्ताक्षर नहीं भी मिल रहे हैं फिर भी अभियुक्त का दायित्व है कि उसको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि अभियुक्त इस आधार पर कि मेरे हस्ताक्षर नहीं मिल रहे, केवल इस आधार पर चल सकता, उसके हस्ताक्षर नहीं मिल रहे तो अभियुक्त को यह साबित करना पड़ेगा कि यह हस्ताक्षर परिवादी ने गलत किए हैं। यानी जब तक अभियुक्त ये साबित नहीं कर सकता कि परिवादी ने अभियुक्त हस्ताक्षर गलत किए हैं तब तक मुकदमा परिवादी के पक्ष में जाएगा। यानी कि उसको साबित करने के लिए क्या क्या तरीके, इस पर मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप देखें और नेक्स्ट और भी मैं बनाता रहूंगा। फिर मान लो एक कोई ऐसा चेक है जिसकी किसी व्यक्ति को आपने चेक दे रखा है और चेक पे हस्ताक्षर ही नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल खाली चेक दे रखा है तो हस्ताक्षर नहीं है ना, हस्ताक्षर नहीं यानी रिक चेक है पूरा, ये अपनी भर रखा है पर हस्ताक्षर नहीं है, तो इसमें है कवि कुमार वर्सेस सवर्णा, ठीक है, ये 2013 का मामला, ये फर्स्ट वॉल्यूम है, ये भी है क्राइम, ये मद्रास हाईकोर्ट का है। इसमें कहा गया है हस्ताक्षर नहीं है तो कागज को चेक ही नहीं माना, ये तो रिक्त कागज कोई मतलब नहीं, इसमें परिवादी अगर कोई मुकदमा कर देता है तो मुकदमा खारिज होगा, यानी अभियुक्त के पक्ष में जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण जो रूलिंग जो बता रहा था मैं, जो इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हो शायद उसे रूलिंग के लिए देख रहे हो, कि आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया ये हस्ताक्षर करके दे दिया, अन्य इबारते आपने नहीं भरी, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यानी हस्ताक्षर आप मान लो मेरे पर मैंने आप बाकी इबारते नहीं भरी, ऐसी स्थिति में क्या हुआ, रूलिंग है हनुमंत वर्सेस अजीत, हनुमान जी निकालेंगे आपको बाहर, है ना, अजीत AIR 2009 NOC पेज नंबर 397
और मुंबई। इसमें यह माना कोर्ट ने कि भाई किसी व्यक्ति ने अगर खाली हस्ताक्षर चेक दिया बाकी बातें नहीं भरी है तो परिवादी का मुकदमा खारिज होगा और अभियुक्त दोष मुक्त होगा। इस रूलिंग में कहा है, मगर जो मेन बात यह है, अभियुक्त को यह साबित करना पड़ेगा कि उसने केवल हस्ताक्षर युक्त चेक ही दिया था, अन्य बात नहीं भरी। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि सामने वाला तो बोलेगा नहीं, पर कई बार क्या होता है जो मैं मेन आपको बताता रहता हूं कि जो आप जिरह करते हैं परिवादी की, कई बार जिरह में परिवादी टूट जाता है और परिवादी कह लेता है कि मैंने तो हस्ताक्षर खाली चेक लिया था फिर मैंने भरा, ये कह दिया, जो रूलिंग बताई वो आपके काम की। दूसरा, आपने कोई लिखा पढ़ी कर रखी है या कोई एग्रीमेंट कर रखा है, उसमें लिख रखा है कि भी हस्ताक्षर खाली चेक दिए, तो भी ये रूलिंग आपके काम की है, उस रूलिंग के आधार पर अभियुक्त बरी हो सकता है। और कोई आपके पास ऐसा तथ्य है जिसे आप ये साबित कर दो कि आपने केवल हस्ताक्षर चेक दिया था, उस पर बर्द नहीं पड़ती है, तो भी ये रूलिंग आपके काम की है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। यानी कि जो चेक का मुकदमा है, मुझे बड़ा दुख होता है कि कई बार अभियुक्त के कोई व्यक्ति पैसा मांगता ही नहीं है या बहुत कम पैसा, मान लो 1 लाख का मांग रहा है, उसने 40 लाख भर दिया, तो वो अभियुक्त अगर ढंग से मुकदमा नहीं लड़ता है तो उसके विरोध में मामला चला जाता है। कई बार क्या होता है, परिवादी ने पैसे दिए और फिर अभियुक्त नए नए हथकंडे अपनाता रहता है और आप कहते हो साहब नहीं, आप बताते हो, मैं बताता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ ये बताता हूँ सच्चाई को कोर्ट में लाना जरूरी है, तो उसमें परिवादी का पैसा डूबता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। आपके कोई चेक संबंधी समस्या है तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मेरी फीस आपको पता ही है। आपके पास में कोई भी गौशाला हो वहां पर आपको 500 रुपये जमा कराने और उसकी रसीद इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। अगर गौशाला नहीं है तो 300 रुपये आपको भेजने हैं गूगल पे करके, इसकी रसीद भेजनी है तो आप उससे बात कर सकते हो। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।